जी अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त मौजूद हैं मोहतरा बडियाना रोड पे। यहाँ पे जो के यानी दारू की बोतलें आपके सामने नजर आ रही हैं, ये पेट्रोलियम पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है कि काफी दिनों से ये मुल्जमों के पीछे भाग रहे थे, ये जो दारू लेके आगे पीछे चले जाते हैं। तो आज इनके हत्थे जो है ना कोशिश करेंगे कि ये मुल्जम कैसे पकड़े गए और आगे इनके साथ क्या होगा। जी साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ हमने क्रैक डाउन किया हुआ जी, स्पेशली ईद की आमद आमद है, माह सयाम है, लास्ट डे जा रहे हैं। जराइम पेशा अफराद जो है ना वो काफ़ी तादाद में जराइम पेट जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, स्पेशली जो मंशियात फरोश हैं, शराब बेचने वाले हैं, पीने वाले हैं, इनके खिलाफ हमने क्रैक डाउन किया हुआ है शार आमा पर। स्पेशली मैंने अपनी बीट में वो सर नाकाबंदी का क्या वगैरह है और ब्लैक स्पॉट, स्पेशली ब्लैक स्पॉट जो मोस्टर हमने नाकाबंदी की हुई है। एक स्कॉट ऑटो है, एक पेट्रोलिंग वाली गाड़ी है और अलहमदिल्ला बीट को हमने अमनोमा कायम करने के लिए पुरजोर और बहुत ज़्यादा कोशिश की। तो सर जी इनके साथ अभी क्या होगा? ये इनको हमने सबसे पहले तो ये है कि बदीपुर के करीब हमने नाकाबंदी की हुई थी, ये पुलिस को देख के वापस मुड़े हैं, इनको पीछे जाके वापस करके हमने अरेस्ट किया है और ये दोनों मुलजमान के कब्जे से दो दो बोतलें शराब बरामद हुई है और इनके खिलाफ एफ आई आर दे रहे हैं थाना बडियाना में। इसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है कोर्ट में जो भी सजा। जी सर, ये आपके सामने अभी देख रहे हैं कि पेट्रोलिंग पुलिस ने रमजान में स्पेशली हर जगह पे नाके लगवाए हैं इस वजह से, तो रमजान में वैसे भी हराम है। आगे जानते हैं, दूसरे अफसरों से पूछते हैं कि इन्होंने कैसे पकड़ा इसको। जी सर, इसको कैसे पकड़ा आपने? जी ये जनाब पहाड़ों से लेके ना शराब की चार बोतलें ये आ रहे थे, तो हमें देख के ना बदीपुर के नजदीक में नाक लगाया हुआ था, हमें देख के पीछे भाग गए। जी ये पीछे भाग गए, हमने पीछे से जाके इनको पकड़ा और इनसे ये चार बोतलें शराब काम की। जी जी सर, ये जो दारू पकड़ी गई है ये बिल्कुल आपके पास से पकड़ी गई? कितों लग गए पहाड़ा तो किनिया बोतल दो दो बोतल लाइया तुम्हें तुर पे यार रमजान के बिल्कुल एहसास नहीं हुआ इस चीज़ का, तुम्हें गलत चीज़ है। अभी आपके ऊपर पर्चा होगा, तीन चार माह जेल में रहेंगे। जी भाई आप थोड़े नज़र ऊपर करें भाई, क्या हो गया? अभी नज़र क्यों नीचे का? ये क्या किया आपने? आगे क्या होने जा रहा है आपके साथ आपको मालूम है? ये जुर्म है भाई, मुसलमानों के लिए खास जुर्म है ये। अभी रमजान चल रहा है, ये देखें अभी आप ईद को ईद तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, गलत बात है ये भाई। जी सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सर जी, ये जब आपने इसको पकड़ा मजामत वगैरह तो नहीं की? नहीं, एक भागने की कोशिश की है, तक करके उसको पीछे से भाग के भाग गया था, ये छोटा जो जलंधर में भाग गया था पीछे इसके दरवाजा। जी आपके सामने देख रहे हैं आप पेट्रोलिंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ये मुलजम आपके सामने हैं, जो बोतलें इनसे बरामद हुई है वो सामने हैं। आगे इंशाल्लाह इनके ऊपर एफआईआर होगी, आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके मुताबिक इनके साथ जो है सलूक किया जाए।